हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्कीन हेलो एरीन्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसी भी बेंजीन और उसके डेरिवेटिव की मेन रिएक्शन होती हैं। इसमें बेंजीन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन या उसका डेरिवेटिव है तो उस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल उससे अटैच हो जाएगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो पहले से अटैच्ड ग्रुप के डायरेक्टिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। इसका क्या मतलब है? जैसे NO2 ग्रुप मेटा डायरेक्टर है तो जो नाइट्रो बेंजीन है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेटा पोजीशन पर होगा। फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर होगा। हम यहाँ पढ़ रहे हैं हेलो एरीन्स या फिर क्लोरो बेंजीन, तो यहाँ पर देखें जो क्लोरो बेंजीन का जो हेलोजन ग्रुप है वो प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट सोइंग ग्रुप होता है, मतलब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। ध्यान रखेंगे, ऑर्थो पैरा में दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ड्यू टू सिमेट्रिकल रीजन पैरा आइसोमर जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। आपको ये रिएक्शन में लिखना होगा कि मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा है। अब दोस्तों, आपने अगर 11th में ये इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही सेकंड सब्स्टिट्यूशन क्यों होगा और मेटा पोजीशन पर ही क्यों होगा, तो उसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो अभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का लिया है तो हम वही समझते हैं। जब हम हेलो एरीन या फिर क्लोरो बेंजीन में रेजोनेंस करेंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि हेलोजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र करता है, डिसलोकेट करता है, तो वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा जो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से डिसलोकेट होकर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएगा। आप इस रेजोनेंस हाइब्रिड में देख रहे हैं कि दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल जो कि पॉजिटिव होता है वो इन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन करेगा। इसीलिए जो हेलोजन है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। अब हम देखेंगे इसकी कुछ रिएक्शंस, जैसे कि हेलोजनेशन, मतलब हम हेलोजनेटेड बेंजीन में फिर से हेलोजनेशन करवाएंगे। जब हमने यहाँ पर ले लिया क्लोरो बेंजीन और रिएक्शन हमेशा होगी Cl2 एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 एक लुईस बेस होता है, ठीक है, सॉरी लुईस एसिड होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा। तो क्या होगा, एक जो Cl है वो पैरा पोजीशन पर आ जाएगा और दूसरा जो Cl है वो ऑर्थो पोजीशन पर। ये होगा मेजर और ये होगा माइनर। अब हम देखें, जैसे दूसरी रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा, जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 होते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। देखिए किस तरीके से NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा एक तो ऑर्थो पोजीशन पर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट, और पैरा पोजीशन पर तो ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब हम इसके बाद देखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कन्वर्जन में यूज होने वाली एक रिएक्शन, जो कि है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए क्या है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये सी पार्ट लिख रहा हूं मैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसको कहीं कहीं पर FC रिएक्शन भी लिखा गया है। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है एल्काइलेशन, पहला पार्ट होगा एल्काइलेशन। अब देखें, जैसे हमने यहां पर क्लोरो बेंजीन लिया और यहाँ पर CH3Cl, आप यहाँ पर C2H5Cl या कोई भी एल्काइल क्लोराइड ले सकते हैं। जब हम एनहाइड्रस AlCl3, ये लिखना बहुत ज़रूरी है,
इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो जो CH3 पार्ट होगा, ये जो पार्ट होगा वो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करेगा और ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन करेगा, क्या बनाएगा Cl, ये CH3 अटैच हो गया और उसके बाद Cl और ये CH3, ये होगा मेजर और ये होगा माइनर। सिंपल सी बात है, ये मेजर इसलिए क्योंकि ये पैरा प्रोडक्ट है और पैरा प्रोडक्ट ड्यू टू सिमेट्रिकल रीजन मेजर होता है। अब देखेंगे सेकंड क्या है, एसाइलेशन। एसाइलेशन अब इसमें हमने बेंजीन यानी क्लोरोबेंजीन लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड, और सेम उसी तरीके से एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे, एनहाइड्रस AlCl3। तो ये जो पार्ट होगा CH3CO, ये पार्ट बेंजीन के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन करेगा कुछ इस तरीके से, ऑर्थो बन गया और इसी तरीके से ये पैरा, पैरा जो होगा वो मेजर होगा, ठीक, और ये जो होगा वो माइनर होगा। इस तरीके से इसको कहा जाता है एसाइलेशन। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एसाइलेशन यानी CH3COCl यूज हुआ है, एसिटाइल क्लोराइड, इसीलिए इस रिएक्शन को एसिटाइलेशन भी कहा जाता है। एसिटाइलेशन क्योंकि इसमें एसिटाइल यानी CH3CO ग्रुप यूज हुआ है। अब लास्ट रिएक्शन देखेंगे, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में आप समझ ही गए होंगे कि H2SO4 यूज होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और फ्यूमिंग H2SO4, ये होता है बेसिकली H2SO4 प्लस SO3 और इसको आप H2S2O7 ओलियम भी कह सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि बहुत सारी जगह पर ये दिया होगा या ये दिया गया होगा या फिर ये दिया गया होगा, आप कंफ्यूज ना हो, इसका मतलब सल्फोनेशन ही है। तो क्या होगा, यहाँ पर भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर SO3H ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ये होगा हमेशा की तरह मेजर और ये होगा हमेशा की तरह माइनर, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कोई भी हेलोएरीन से या क्लोरोबेंजीन देता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिए और इसी तरीके से देखते रहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेहतरीन कॉन्सेप्ट मेरे साथ। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।